हेलो एवरीवन तो 51st क्वेश्चन है फर्स्ट ज्वाइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट वाज हेल्ड इन कनेक्शन विद पहले जो ज्वाइंट मीटिंग हुई थी वो क्यों हुई थी तो देखिए ऑप्शंस हमारे पास हैं डाउरी एबोलिशन बिल बी इज हिंदू कोड बिल एंड सी इज नेशनल बैंक नेशनलाइजेशन बिल एंड डी इज गोल्ड कंट्रोल बिल तो पहला जो ज्वाइंट जो सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ ठीक है, है अब देखिए अगर कोई डेडलॉक हो जाता है यानी कि एग्रीमेंट नहीं बन पाता है किसी बिल पे लोकसभा और राज्यसभा के बीच में तो वो कौन सा बिल है जिसकी वजह जिसके लिए जो है ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है पहला हमारा है ऑर्डिनरी बिल ठीक है ऑर्डिनरी बिल दूसरा हमारा है मनी बिल थर्ड हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ऑर्डिनरी बिल मनी बिल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल तो किस केस में ये चीज होगा तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में ये ज्वाइंट सेटिंग नहीं होगा मनी बिल में भी नहीं होगा और ये होगा ऑर्डिनरी लेजिशन में

ही करना होता है तो उस केस में कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी बट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है वो जो है हमारे दोनों हाउसेस, यानी कि आर्टिकल थ्री के अकॉर्डिंग दोनों हाउसेस के द्वारा पास होना चाहिए दस जो ज्वाइंट सिटिंग है ज्वाइंट सिटिंग इज एप्लीकेबल ओनली टू द ऑर्डिनरी बिल ठीक है ऑर्डिनरी बिल के केस में हम ज्वाइंट सिटिंग कर सकते हैं तो ये हमारा हो जाएगा

ज्वाइंट्स अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन का जो आपका आ, इसमें सेंटेंस है कि अगर प्रेसिडेंट हमारे हैं उन्होंने ज्वाइंट सेशन ऑलरेडी जो है उन्होंने क्या कर दिया है बुला लिया है joint session के लिए जो है समन कर लिया है और तब उसके बाद लोकसभा होती है तो क्या होगा तो joint session, जो है अपने पे होगा joint session will be held in scheduled time. लेकिन अगर लोकसभा पहले हो गई होती तो ये case जो है अलग होता उल्टा होता देखिए द वोटिंग ऑन द बिल ठीक है अगर कोई डिस्प्यूट हो होता है तो जो हमारे बुला सकते हैं इफ द बिल

यानी कि प्रेसिडेंट ने बाद में जो है अभी लोकसभा डिसॉल्व नहीं हुई है और बाद में हो रही है जो प्रेसिडेंट का इंटेंशन ऑलरेडी है कि सेशन होना है तो तय समय में ही ज्वाइंट सेशन होगा ठीक है ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट हमारा क्या है लेजिस्लेटिव बिल बिल मे बी इंट्रोड्यूस इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट तो हमारा जो लेजिस्लेटिव बिल है uh, वो किस हाउस में यानी कि लेजिस्लेटिव बिल है नॉर्मल बिल है ऐसा कोई मेंशन नहीं कि मनी बिल है या फिर कोई और बिल तो ये जो हमारा ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट किसी में भी हो सकता है लोकसभा या राज्यसभा में ठीक है

देखिए इसमें मिनिस्टर नहीं होंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो होंगे ही वो कोई जरूरी नहीं है कि वो नॉमिनेटेड हो इलेक्टेड भी हो सकते हैं लेकिन इलेक्टेड होंगे वो लेकिन जो है इसमें क्या है कि आपका इसमें लिखा है कि वो मिनिस्टर नहीं होने चाहिए ठीक है मिनिस्टर नहीं होने चाहिए तो वो प्राइवेट मेंबर होगा ठीक है तो ये हो गया हमारा रिसेंटली प्राइवेट मेंबर बिल हैज बीन इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम नहीं है कई बार जो है पास हो चुका है तो ये हमारा दोनों ही जो है गलत हो जाएगा नीत नॉट टू ठीक है तो कौन सा है ये हमारा डी हो जाएगा

और मतलब हाउस से बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए ठीक है तो ये हमारा प्राइवेट मेंबर बिल के लिए करना पड़ेगा लेकिन अगर बिल पहले ही पब्लिश हो चुका है ऑफिशियल गजेट में तो लीव के लिए कोई नोटिस की जरूरत नहीं होगी ठीक है और और एक चीज जो दूसरा हमारा पार्ट था कि जो पहला ऐसा बिल है जो प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ ऐसा नहीं है डजन ऑफ द प्राइवेट मेंबर बिल्स में इंडिपेंडेंस ठीक है तो बहुत सारे बिल्स पास हो चुके हैं ऐसा जरूरी नहीं है ठीक है तो ये हो गया हमारा अब नेक्स्ट हम देखते हैं

तो अगर लोकसभा का डिसोल्यूशन होता है तो वो बिल क्या होगा लैप्स नहीं होगा तो ये भी लैप्स नहीं होगा ठीक है ये हो गया हमारा अब नेक्स्ट देखते हैं तो फिफ्टी एट क्वेश्चन हमारा है कंसीडर द द द द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट क्या है चेयरमैन चेयरमैन एंड ऑफ राज्यसभा आर नॉट द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस देखिए जो चेयरमैन होते हैं और डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं वो कह रहे हैं कि मेंबर नहीं होते तो देखिए ये तो कन्फर्म है कि जो हमारे चेयरमैन होंगे वो क्या होते हैं मेंबर नहीं होते एक्स ऑफिस चेयरमैन कौन होते हैं वो हमारे होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ठीक है लेकिन जो डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं उसी जो हाउस होते हैं उन्हीं में से कोई एक मेंबर होता है वही हमारा डेप्य चेयरमैन होता है तो ये गलत हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वाइल द नॉमिनेटेड मेंबर्स वाइल्ड द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट हैव नो वोटिंग राइट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन दे हैव राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट तो ये हमारा ये भी गलत हो जाएगा तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा नीदर वन नॉट टू अब देखिए स्टेटमेंट वन जो हमारा है वो इनकरेक्ट है क्यों अच्छा स्टेटमेंट टू एक मिनट रुक जाइए स्टेटमेंट टू फिर से देख लीजिए स्टेटमेंट टू हमारा क्या है वेल uh, नॉमिनेटेड जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं आप बुध द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट हैव नो वोटिंग राइट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ठीक है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वोटिंग राइट नहीं होती है लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ये ठीक है ये सही है ठीक है दूसरा हमारा सही है सॉरी तो एक बार इसको देख लीजिएगा देखिए जो हमारा स्टेटमेंट वन है वो गलत क्यों है चेयरमैन जो हमारे होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होता है लेकिन डेप्टी चेयरमैन इज द मेंबर ऑफ द राज्यसभा तो ये हमारा गलत होगा स्टेटमेंट टू करेक्ट होगा क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अगर हम बात करें ये एकदम से से ध्यान समझ लीजिएगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के यानी कि पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होंगे और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां के इलेक्टेड मेंबर्स होंगे ठीक है वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हाउर एजार्ट

ठीक है किसके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्या होता है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है वो कौन कौन होता है उसमें कौन होता है कंसिस्ट ऑफ द ऑल द द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ठीक है ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट पार्लियामेंट के सारे मेंबर्स इलेक्टेड और नॉमिनेटेड ठीक है तो चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो वो सारे मेंबर्स जो हमारे प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन हो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैजूज द राइट टू इशू मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया Fund of India से किसको राइट है कि वो मनी को इशू करे तो देखिए हमारा कॉम्प्यूटर ऑडिटर जनरल गलत हो जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर मिनिस्टर गलत गलत है गलत है 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 ऑफ ठीक इसमें इसमें जो है हमारा अच्छा इसमें कह रहा है किसके पास राइट है देखिए इसमें गलती हो जा रही है हम यहाँ पे देख लीजिएगा ध्यान से समझिएगा किसके पास राइट है तो ये मैंने बताया कि किसी के पास राइट नहीं है अच्छा ठीक है सही तो है राइट है ये पूछ रहा है नहीं है ये नहीं पूछ रहा है तो किसी के पास राइट नहीं है तो ये हमारा हो जाएगा आंसर डी किसी के पास राइट नहीं है ठीक है

It to under 114 तो जो मनी जो चाहिए तो कैसे वो होगा वो पार्लियामेंट जो है वो अथोराइज करेगी तब जाके मनी जो है वहां से ड्रॉ कर पाएंगे बाकी कोई भी जो है चाहे फाइनेंस मिनिस्टर हो चाहेटेट जो है Control, या आपके जो है कोई मिनिस्टर हैं उनके कहने से नहीं होगा बल्कि पार्लियामेंट दोनों ही डिसाइड करेंगे मिलके राज्यसभा में उसके बाद जो है वो होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज नॉट चार्ज ऑन द ऑनसोलिटेड फंड ऑफ इंडिया कौन सा एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज नहीं होता सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ द सीजे आई ठीक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी और अलाउंसेस बिल्कुल ये चार्ज होते हैं हमारे कहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे

तो यूपीएससी के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं उनकी भी सैलरी अलाउंसेस चार्ज होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की चार्ज होती है जनरल ऑफ इंडिया की की होती होती है की नहीं होती है बट नहीं तो देखिए ओनली डिस्कशन ऑन द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द दंसॉलिट फंड ऑफ इंडिया कैन हैपन नॉट वोटिंग ठीक है डिस्कशन हो सकता है देखिए ओनली डिस्कशन ऑन जो हमारे कंसोलिडेटेड फंड है उस पर डिस्कशन हो सकता है वोटिंग नहीं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल वन वन टू

तो देखिए डेट चार्ज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दूसरा सैलरी एंड पेंशन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पेंशन पेबल टू हाई कोर्ट जजेस तो ये जो हमारा पेंशन है ये हाई कोर्ट जजेस का ये कंसोलिडेटेड इंडिया पे चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे ठीक है क्या है पेंशन पेबल टू जजेस ऑफ द हाई कोर्ट नेक्स्ट हम देखेंगे

राज्यसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का लोकसभा पे ये भी जो चार्ज होते हैं कंसोलिटेड फंड ऑफ इंडिया पे दूसरा क्या है डेट चार्जेस फॉर विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लायबल इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट ठीक है सिंकिंग फंड चार्जेस ठीक है रिडेम्पशन चार्जेस एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू द राइजिंग ऑफ द लोन रेजिंग ऑफ द लोन्स एंड द सर्विसेज एंड रिडेम्पशन ऑफ डेट ये सारी चीजें चार्ज होंगी वहीं पर salaries, pensions or allowances payable to the आ uh, all in respect to judges of the supreme court तो so, supreme court ki salaries bhi allowances bhi pensions bhi सब कुछ charge होगा consolidated fund of uh, consolidated fund of India पे लेकिन हाई court के केस में सिर्फ जो है उनकी pensions होंगे, salary और allowances नहीं होंगे next देखते हैं तो इसमें और है अभी और देख लीजिए इसको क्या है तो नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है कि फेडरल कोर्ट ठीक है फेडरल कोर्ट के जो पेंशन होते हैं वो भी जो पे चार्ज होगा Just a second. Yes. Next हमारा है पेंशन पेबल टू इन रिस्पेक्ट ऑफ जजेस ऑफ एनी हाई कोर्ट विच रिलेशन टू एनी एरिया इंक्लूडेड इन दिन ऑफ इंडिया और विच एट एनी टाइम बिफोर ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है एक्सरसाइज इन रिलेशन टू एनी यानी कि जो आपका पेंशनस हैं किसके जो हमारे जजेस हैं फेडरल कोर्ट के और पेंशंस जो हमारे हैं जजेस जो हाई कोर्ट के हैं ठीक है ठीके? ये सारे जो है इनके जो पेंशनस हैं वो कहाँ पे होंगे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होंगे ठीक है नेक्स्ट हमारे सैलरीज अलाइंसिस पेंशन पेबल और इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंप्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया तो उसकेग जो हमारे हैं कंट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इनकी सैलरीज पेंशन अलाउंसेस सारा जो है कंसोलिडेटेड uh, फंड पे चार्ज होगा एनी सम्स रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट डिक्री और अवार्ड ऑफ एनी कोर्ट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ठीक है तो ये भी जो है वहीं पर रहेगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे और एनी अदर एक्सपेंडिचर डिक्लेयर्ड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन और द पार्लियामेंट बाय लॉ टू बी सो चार्ज ठीक है यानी कि पार्लियामेंट जो है वो बता देती है कि कोई भी मतलब ऐसा इस तरीके का कोई चार्ज होता है जो कंसोल्टेट फंड ऑफ इंडिया पे होना चाहिए तो वो जो है वहां से चार्ज किया जाएगा ठीक है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज नॉट चार्ज ऑन द फंड ऑफ इंडिया कौन सा चार्ज नहीं होता देखिए सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है प्राइम मिनिस्टर का नहीं होगा याद रखिएगा सैलरीज एंड ऑफ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इंडिया ये जो है नहीं होगा जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हैं वो जो है of, uh, पे चार्ज नहीं होते, तो ये हमारा गलत हो जाएगा रिसीव हिस्सरी एंड अलाउंसेज एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ठीक है तो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन भी होते हैं राज्यसभा के तो इनकी जो सैलरीज और होती हैं वो जो है वो कैसे लेते हैं एज अ आपका राज्यसभा के चेयरमैन के लेते हैं और सैलरीज एंड ऑफ द चेयरमैन एंड चेयरमैन आर ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ठीक है तो वो कंसोलिडेटेड फंड पे चार्ज होगा देखिए इसमें क्या है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चार चार्ज कौन सा चार्ज नहीं है तो ये वाइस प्रेसिडेंट का बोल रहे हैं ठीक है वाइस प्रेसिडेंट का बोल रहे हैं प्रेसिडेंट जो हमारे होते हैं जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन हैं तो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा और लोकसभा सॉरी राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं ठीक है तो उनकी सैलरी जो है वाइस प्रेसिडेंट के नहीं बल्कि सैलरी जो है आपके राज्यसभा के चेयरमैन के जो है उसपे यानी कि देखिए राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वही जो है हमारे आपका

द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्मेंट ऑल दो इट इंक्लूड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर ठीक है कैपिटल एक्सपेंडिचर भी इंक्लूड करता है इट कवर्स ऑल एक्सपेंडिचर नॉट इंक्लूडेड इन द प्लान ठीक है तो यही दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है प्लान एंड नॉन प्लान तो नॉन प्लान में सारी चीजें हैं जो प्लान में नहीं हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कॉन्स्टिट्यूट बिगेस्ट प्रपोर्शन ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एज पर द क्वेश्चन द लार्जेस्ट आइटम अंडर द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर इज इंटरेस्ट पेमेंट्स ठीक है नेक्स्ट देखते हैं अब देखिए इसमें है अथोराइजेशन फॉर द विद्रोवल ऑफ द फंड ऑफ इंडिया देखिए जो हमारी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है वहां से जो फंड को विद्रॉ करने की अथॉरिटी किसके पास है कौन कह सकता है कि फंड को विद्रॉ करना है तो ये हमारे पार्लियामेंट के पास होती है ठीक है अगर कोई भी अमाउंट विदड्रॉ करना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से तो ये जो है अप्रूव होना चाहिए हमारे पार्लियामेंट के द्वारा ठीक है ये आर्टिकल वन में है अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूनियन गवर्नमेंट के रेफरेंस में हमें कंसिडर करना है क्वेश्चन हमारा है द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ठीक है द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट दैट इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट ठीक है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट बोल रहे हैं कि जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए बजट के यूनियन बजट के प्रिपरेशन के लिए और जो प्रेजेंट होता है पार्लियामेंट में तो ये हमारा जो है इसमें क्या कह रहे हैं कि अच्छा विच आर करेक्ट करेक्ट पूछा जा रहा है तो ये हमारा गलत हो जाएगा ठीक है अब नेक्स्ट हमारा क्या है नेक्स्ट हमारा है नो अमाउंट कैन बी कंसोलिटेडेशन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द द फ्रॉम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ये बिल्कुल सही है दूसरा हमारा सही है थर्ड हमारा ऑल द डिस्मेंट मेड फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट्स ऑल्सो नीडेड टू अथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ठीक है तो ये हमारा गलत हो जाएगा सारा जो है हमारा जो पब्लिक अकाउंट जो डिस्बर्समेंट uh, है उसके लिए पब्लिक अकाउंट से हमें अथोराइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के केस में पड़ती है तो हमारा सिर्फ दो सही हो जाएगा ओनली टू सी आंसर सही है देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है बजट के प्रिपरेशन के लिए जिसको पार्लियामेंट में पेश किया जाता है इसलिए स्टेटमेंट वन हमारा जो है गलत हो जाएगा ठीक है अब क्या है कि नो अमाउंट कैन बी विदड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द अथोराइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एज इन आर्टिकल वन वन फोर ठीक है जो हमारे आर्टिकल वन वन फोर में विदड्रॉ नहीं कर सकते हैं पब्लिक अकाउंट डज नॉट रिक्वायर अथोराइजेशन पार्लियामेंट ठीक है, तो, दूसरा भी हमारा, दूसरा हमारा सही है तो, तो क्या है डिसबर्समेंट जो है पब्लिक अकाउंट से वो जो है रिक्वायर नहीं है अथोराइजेशन नहीं चाहिए हमारी पार्लियामेंट से तो ये हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा कंट्रोल ऑफ दिस अकाउंट इज इन हैंड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव ठीक है तो पब्लिक पी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसका कंट्रोल जो है एग्जीक्यूटिव के पास होता है इसमें जो है हमें पार्लियामेंट से जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती कि हमें जो है उससे अथोराइजेशन चाहिए तब हम ड्रॉ कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन द प्रेसिडेंट स्पेंड फ्रॉम कंसिटेंसी फंड ऑफ इंडिया ठीक है कंटिनजेंसी फंड ऑफ इंडिया से प्रेसिडेंट जो है कैसे स्पेंड कर सकते हैं तो देखिए इन टाइम ऑफ द नेचुरल कैलामिटी आफ्टर अथोराइजेशन ऑफ पार्लियामेंट और बिफोर द अथोराइजेशन ऑफ पार्लियामेंट तो बाद में क्या करेंगे जब निकाल लेंगे तो बोलेंगे हमने निकाल लिया ऐसा नहीं है पहले ही हमें जो है पार्लियामेंट से uh, जो है की अथॉरिटी हमें चाहिए होगी पार्लियामेंट अगर एग्री है तो हम कर सकते हैं तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा ठीक है सी सही हो जाएगा देखते हैं इसको देखिए कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज स्टैब्लिश बाय द पार्लियामेंट

अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहे टैक्सेस से हो चाहे रिसिप्ट से हों किसके लिए मिलते हैं ये गवर्नमेंट को चलाने के लिए गवर्नमेंट के बिजनेस को चलाने के लिए तो वो किसमें क्रेडिट होता है तो ये होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में किसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ठीक है ये आपका

नेक्स्ट क्वेश्चन हु डिसाइड्स हूं मनी बिल और नॉट तो कौन डिसाइड करेंगे हमारे जो स्पीकर होंगे लोकसभा के वही अब नेक्स्ट क्वेश्चन हु द मनी बिल कौन सर्टिफाई करता है स्पीकर करते हैं अगर कोई क्वेश्चन होता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है तो स्पीकर जो हमारे लोकसभा के होते हैं उनका डिसीजन फाइनल होगा ठीक है इनके डिसीजन को तो किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कह सकता है कि जो है इनका डिसीजन सही है गलत है तो वो जो उन्होंने जो भी आंसर जो उन्होंने उनका जो जजमेंट है वही फाइनल होगा कि ये मनी बिल है या नहीं है ठीक है और वेन अ मनी बिल इज ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा फॉर द रिकमेंडेशन एंड प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट द स्पीकर ऑन इंडोस बिल हिज सर्टिफिकेट दैट इट इज़ अ मनी बिल ठीक है तो अदरवाइज अगर मनी बिल नहीं होता तो फिर जो है क्या होता uh, हमारे जो अब उसको डिले भी किया सकता था कहीं पे भी किसी भी उसमें तो जो हमारे स्पीकर होते हैं वो पहले इंडोज कर देते हैं कि ये बिल जो है वो भेजा जा रहा है वो मनी बिल है तो फोर्टीन डेज तक सिर्फ रोक सकता है राज्यसभा उसको और जो मनी बिल होता है उसका पहले ही असेंट होता है प्रेसिडेंट का तो प्रेसिडेंट भी उसको जो है एज इट इज जैसा जाता है वो भेज देते हैं ठीक है ना तो जो आपका रिकमेंडेशन जो है राज्यसभा अगर बा, बाई दे राज्यसभा को रिकमेंडेशन देती है मनी बिल पर तो ये डिपेंड करता है लोकसभा उसको माने या ना माने फोर्टीन डेज के भीतर वो अगर नहीं भी भेजती है तो उसको क्या माना जाता है कि उस वो जो पास हो गया है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बिच ऑन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मनी बिल इज नॉट करेक्ट कौन सा सही नहीं है ये हमें बताना है ठीक है तो देखते हैं देखिए पहला है मनी बिल कैन बी टेबल इन इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट किसी भी पार्लियामेंट तो देखिए यही गलत हो जाएगा हमारा कौन सा सही नहीं है यही वर्ड नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं क्योंकि तो किसी भी हाउस में नहीं बल्कि राज्यसभा में ठीक है राज्यसभा में ही सिर्फ जो है इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा लोकसभा सॉरी लोकसभा में ही सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जाएगा राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा ठीक है स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज द फाइनल अथॉरिटी जो हमारे स्पीकर होते हैं बिल्कुल सही है मनी बिल के केस में स्पीकर जो है लोकसभा के वो फाइनल अथॉरिटी होते हैं राज्यसभा जो है राज्यसभा को जो मनी बिल है उसको रिटर्न करना पड़ता है लोकसभा को फॉर विद इन दिन डेज चौदह दिनों के भीतर उसको सब, uh, वापस करना पड़ता है प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल ठीक है मनी बिल जो है प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं कर सकते हैं जो तो लोकसभा क्योंकि देखिए मनी बिल जब मान लीजिए ये बिल है मनी बिल जाता है मनी बिल के ऊपर ठप्पा लग जाता है और कौन लगाता है हमारे जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के वो बता देते हैं कि ये मनी बिल है तो ये जो है कहीं इसका अवरोध ना हो चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो प्रेसिडेंट हो तो ये चीज हो जाती है नेक्स्ट हम देखेंगे अब नेक्स्ट हमारा कोई अच्छा इसमें एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं देखिए मनी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस कह सकता है सिर्फ लोकसभा में राज्यसभा हैज़ गॉट वेरी लिमिटेड पावर इन दिस रिगार्ड राज्यसभा कैन डिले दिस फॉर अ पीरियड ऑफ एक्सीडिंग नॉट एक्सीडिंग फोर्टीन डेज ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मनी बिल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज टेबल्ड इन तो कहां टेबल करेंगे ऑब्वियसली इसको हम सिर्फ लोकसभा में टेबल करेंगे राज्यसभा में नहीं तो सी आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिच वन इज नॉट करेक्ट कौन सा सही नहीं है देखिए राज्यसभा इज पावरलेस इन मनी मैटर्स बिल्कुल सही है राज्यसभा में जो है मनी बिल को हम इंट्रोड्यूस भी नहीं कर सकते और राज्यसभा मनी बिल को रोक भी नहीं सकती है तो ये बिल्कुल सही है पाव, पावर नहीं होती इनके पास ज्यादा दूसरा हमारे मनी बिल इज इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा नहीं लोकसभा में होगा ठीक है लोकसभा में होगा तो ये हमारा गलत हो जाएगा बी गलत है सी और डी भी देख लेते हैं राज्यसभा हैज टू पास द मनी बिल विद इन फोर्टीन डेज आफ्टर इट हैज बीन पास बाय द लोकसभा लोकसभा ने राज्यसभा को बीच राज्यसभा को फोर्टीन डेज के बीच उसको पास भेज देना होता है नहीं होगा तो ये होगा डीम है कि वो चलो ठीक है वो पास हो चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राज्यसभा में पास और रिटर्न द मनी बिल विथ रिकमेंडेशन टू द लोकसभा तो पास कर देंगे या फिर उसको रिटर्न कर देंगे कुछ रिकमेंडेशन के साथ अब रिकमेंडेशन माने ना माने ये डिपेंड करता है किसके ऊपर लोकसभा के ऊपर ठीक है तो आर्टिकल 109 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट द मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा एक एक सो ये जो है पहले ही बता दिया गया कि मनी बिल जो है जो हमारा मनी बिल है उसको हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते लोकसभा में 1092 में क्या कहा गया है कि मनी बिल जो है अगर राज्यसभा पास कर देती है तो इसको लोकसभा में ट्रांसफर किया जाएगा लोकसभा लोकसभा जो है सॉरी राज्यसभा अपनी रिकमेंडेशन के साथ या विदाउट रिकमेंडेशन राज्यसभा को चौदह दिन के भीतर इसको भेज देगी ठीक है अब क्या होता है उसकी रिकमेंडेशन माने न माने लोग ये लोकसभा के ऊपर है ठीक है यही सारी सब्जेक्ट इज पहला क्या है प्रोविजन रिगार्डिंग टैक्सेस होता है ये इंक्लूडेड होता है मनी बिल में रिगार्डिंग बोरोइंग्स ठीक है ये भी होता है बोरोइंग भी होती है प्रोविजन रिगार्डिंग द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड एंड कंटेंजेंसी फंड कस्टडी ऑफ द फंड ये भी रहेगा इम्प्लीमेंटेशन और फाइंस और पेनालिटीज तो देखो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइन्स एंड पेनाटीज ये जो है हमारे डी ये जो है गलत हो जाएगा ये नहीं होगा देखिये एक सौ दस जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन uh, का जो आर्टिकल है वो स्पेसीफाई करता है कि प्रोविजन रिगार्डिंग टैक्सेस बोरोइंग कस्टडी ऑफ कंसॉडेटेड फंड एंड कंटिनजेंसी फंडलूडेड इन द प्रोविजन ऑफ मनी बिल ठीक है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं टैक्सेज होती हैं बोरोइंग होती है कस्टडी ऑफ कंसॉलीडेटेड फंड एंड कंटेंजेंसी फंड ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती है मनी बिल में लेकिन जो प्रोविजन है इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स जो हैं पेनाटीज हैं ये सारी चीजें इंक्लूडेड नहीं होती मनी बिल में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रिगार्डिंग द मनी बिल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट कौन सा सही नहीं है तो पहला हम देखते हैं क्या है अब बिल शैल बी बिल बिल शैल बी डीम्ड टू अ मनी बिल इफ इट इज इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजन रिलेटिंग टू द इम्पोजिशन एबोलिशन रिमिशन अल्टरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्सेस ठीक है तो ये हो गया नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारा है मनी बिल हैज हैज प्रोविजंस फॉर कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड कस्टडी की बात करता है, के ये भी सही है कौन सा नहीं है यही बताना मनी बिल इज कंसर्न विद्रोप्रिएशन ऑफ द मनी आउट फ्रॉम दी फंड ऑफ इंडिया ये सही नहीं है मनी बिल डील्स विद द रेगुलेशन ऑफ एनी गारंटी बाय द

कि जो हमारा दस इट इज ऑपरेटेड बाय द एग्जीक्यूटिव एक्शन जो 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 हमारा अभी हम बात कर रहे हैं किसकी कंटिनजेंसी फंड की ये जो है एग्जीक्यूटिव के एक्शन के थ्रू जो है इसको हम देखते हैं डिसाइड करते हैं ये लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इसमें जो है मनी बिल का इसमें हम इसको इंक्लूड नहीं करते करतेजेंसी फंड को तो ये हमारा हो जाएगा नेक्स्ट हम देखते हैं अ बिल विच एक्सपेंडिचर एंड डज नॉट इंक्लूड एनी of the matter specified specified in article 110 can be फिर से देख लीजिए अ बिल विच एक्सपेंडिचर ठीक है एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व करता है डूडी मैटर्सिफाइड इन आर्टिकल ठीक कैन बी वो क्या हो सकता है तो देखिए इनिशिएट बाय लोकसभा इनिशिएटेड इन इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फिर है हमारा इनिशिएटेड इन द राज्यसभा देखिए जब मनी बिल नहीं है तो किसी भी हाउस में कर सकते हैं तो इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा ठीक है देखिए फाइनेंशियल बिल कैन बी टू कैटेगरीज दो कैटेगरी बिल अंडर एक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे कैटेगरी में क्या होगा वो सारे बिल जो जहाँ पे प्रोविजन होते हैं एक्सपेंडिचर के फ्रॉम कहाँ से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उनको हम फाइनेंशियल बिल के अंडर वन वन सेवन थ्री

क्वेश्चन क्या है करेक्ट करेक्ट नॉट रिगार्डिंग द कंट्रोल ऑफ द पार्लियामेंट ऑन द बजट ठीक है रिगार्डिंग द कंट्रोल ऑफ द पार्लियामेंट ऑन द बजट तो देखिए फर्स्ट हमारा क्या है इसमें है पार्लियामेंट uh, कौन सा सही नॉट करेक्ट नॉट है ध्यान रखिएगा पार्लियामेंट डज नॉट हैव एनी रोल इन द क्रिएशन ऑफ बजट बिल्कुल ये सही है हमारा बिल्कुल सही है ये ठीक है पार्लियामेंट हैज द पावर टू मूव ऑन द चार्ज्ड एक्सपेंडिचर ऑन कंसोलिडेटेड फंड पार्लियामेंट हैज दावर टू मूव ऑन चार्ज एक्सपेंडिचर गलत हो जाएगा देखिए नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है पार्लियामेंट no हैज नो पावर टू इंपोज टैक्सेज इंपोज टैक्स विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऐसा नहीं है अच्छा पार्लियामेंट हैज नो no पावर टू इंपोज टैक्स विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ठीक है यह सही है और दूसरा हमारा है पार्लियामेंट हैज़ नो पावर टू इंक्रीज एनी टैक्स विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ठीक है तो देखिए दूसरा हमारा भी आना सही नहीं है देखिए चार्ज एक्सपेंडिचर अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो हमारा वन वन टू है एक सौ बारह है इज नॉट सबमिटेड टू द वोट फॉर पार्लियामेंट ठीक है तो जो तो इसमें वोटिंग नहीं होती पार्लियामेंट में वोटिंग नहीं होती है जब हम किस पे किसी जो है एक्सपेंडिचर कोई चार्ज होता है किसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ठीक है तो वहां उस टाइम कोई वोटिंग नहीं होती ऑल्दो इट कैन बी डिस्कस हम डिस्कस कर सकते हैं किसी भी हाउस में बट वोट नहीं कर सकते इसीलिए कुछ कुछ जो चार्जेस हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे होते हैं उस पर वोटिंग नहीं होगी उस पर डिस्कशन बस हो सकता है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया ठीक है पार्लियामेंट्री कंट्रोल कहाँ कहाँ पे हमें देख रहे हैं हम पब्लिक के केस में इंडिया में तो वो हमें बताना है अब देखिए क्या होगा इसमें पहला हमारा है प्लेसिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द पार्लियामेंट ठीक है बिल्कुल सही है पब्लिक एक तो कंट्रोल का एक तरीका है ये भी पब्लिक फाइनेंस को तो प्लेसिंग एनुअल फाइनेंस जो हमारे एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट होते हैं उसको हम पार्लियामेंट में पेश करते हैं बिल्कुल सही यह है ये, इसका ये एक कंट्रोल का तरीका है दूसरा हमारा है विड्रोल ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ओनली आफ्टर पासिंग एन अप्रोप्रिएशन बिल ठीक है तो ये भी हमारा सही हो जाएगा नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रांट्स एंड वोट ऑन अकाउंट प्रोविजन फॉर सप्लीमेंट्री ग्रांड एंड वोटो अकाउंट्स ये भी सही है ये भी एक कंट्रोल का तरीका है और नेक्स्ट हमारा क्या है अ पीरियोडिक और एट लीस्ट अ मिड ईयर रिव्यू ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट अगेंस्ट मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट एंड एक्सपेंडिचर्स बाय द पार्लियामेंट बजटरी ऑफिस ये हमारा सही नहीं है ये चौथा गलत हो जाएगा इंट्रोड्यूसिंग फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट ये भी सही है तो एक दो तीन पाँच सही है चार नहीं सही है ठीक है तो ये देख लेते हैं एक बार आंसर उसका ए सही है देख लेते हैं क्यों अब देखिए इसमें क्या है कि नो नो मनी कैन बी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल नो मनी कैन बी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट द बिल फॉर अप्रोप्रिएशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी मनी हम चार्ज नहीं कर सकते बिना अप्रोप्रिएशन बिल के पास हुए ठीक है uh, बिना अप्रोप्रिएशन बिल के ठीक है तो नेक्स्ट हमारा है प्रोविजन टू द सप्लीमेंट्री ग्रांट ऑन वोट ऑन अकाउंट इज गिवन आर्टिकल एक सौ पंद्रह एंड एक सौ सोलह

और इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा ठीक है तो ये कौन सा है क्या है इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है इस सेक्टर्स में ये हमें बताना है तो एक बार देखते हैं इसका क्या होगा अब देखिए एडोप कमेटी सेटअप बाय द पार्लियामेंट दूसरा है पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ठीक है नेक्स्ट हमारा फाइनेंस कमीशन फोर्थ हमारा है फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन और नीति आयोग तो देखिए वन एंड टू सिर्फ सही हो जाएगा हमारा देखिए इंडिया में हमारे दियार ट्वेंटी फोर डिपार्टमेंट्स कितने डिपार्टमेंट्स हैं चौ चौबीस डिपार्टमेंट्स आर रिलेटेड टू स्टैंडिंग कमेटी एंड कम्प्राइज कम्प्राइज मेंबर्स फ्रॉम द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट तो स्टैंडिंग कमेटी में क्या है कि दोनों हाउस के पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं दीज कमेटीज़ ऑन मिनिस्ट्री स्पेसिफिक ठीक है वन मिनिस्ट्री स्पेसिफिक दिस कमेटी वन मिनिस्ट्री स्पेसिफिक और मे रिव्यू द वर्किंग ऑफ ऑफ रेगुलेटर्स विद इन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स तो वो जो है क्या करती है जो रेगुलेट करने का काम करती है डिपार्टमेंट्स को देखते हैं पार्लियामेंट में ऑल्सो स्टैब्लिशॉप्ट कमेटीज़ इसके अलावा जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी है उसके अलावा कुछ एडोप कमेटीज भी हो सकती हैं इनका क्या काम होगा ये एग्जामिन करेंगे रेगुलेटर के काम को ठीक है जैसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन द एलोकेशन ऑफ टू जी स्पेट्रम इनक्लूड्स रिव्यू ऑफ द पॉलिसी ऑन स्पेक्ट्रम प्राइसिंग एंड ग्रांट ऑफ टेलीकॉम लाइसेंस एडोप कमेटीज आर पर्टिक आर टेम्परेरी इन नेचर ठीक है आर टेम्परेरी इन नेचर एक बार इसको देख लीजिएगा बड़ा लंबा लंबा है सारी चीज़ें ये एक बार देख लीजिए फाइनेंस कमीशन नीति आयोग फाइनेंस फाइनेंशियल सेक्टर रजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन हैज़ नो रोल इनका कोई रोल नहीं होता टू प्ले इन रिव्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन वैरियस सेक्टर्स तो बस अब हो गया बहुत ज़्यादा हो गया नेक्स्ट वीडियो में हमें अगली जो है एटी वन से स्टार्ट करेंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग